बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुमल खान प्रेजेंटिंग माय 22nd लेक्चर पार्ट 2 ऑफ क्लास 4 फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 6 एंड 7 सिंगुलर एंड प्लूरल्स एडजेक्टिव पेज नंबर 22 to 27। हियर इज योर बुक टाइटल पेज, सिंगुलर एंड प्लूरल। यू हैव लर्न अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल इन प्रीवियस क्लासेस। आपको प्रीवियस क्लासेस वन क्लास से ग्रामर पढ़ाई जाती है, ठीक है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ग्रामर टू बी क्रिएटिव। आपको क्रिएटिव अगर बनना है, अगर आपको कुछ अच्छा लिखना है, खुद से लिखना है, तो आपको ग्रामर को फोकस मस्ट करना है। सिंगुलर प्लूरल्स में आप पढ़ के आए हुए हो कि सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल्स क्या होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़ के आए हुए हो। अब आज मैं आपको मज़ीद एलेबरेट करके एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है हमने। प्लूरल्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। प्लूरल्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके साथ जस्ट हम एस यूज़ करते हैं, वो कौन से वर्ड्स होते हैं? क्रोज में चेंज कर देते हैं। लाइक सिंगुलर प्लूरल्स बेसिकली आप उर्दू में जिन्हें मुजक्कर मोनस बोलते हो, ठीक है, और क्रोज ब्रदर एंड सॉरी वाहिद जमा, हाँ इसके वाहिद जमा होते हैं जो, ठीक है, वो आपके जो वाहिद जमा होते हैं जिसके आप सिंगुलर होता है और उसके जमा आप लिख देते हो, ठीक है, क्रो एंड क्रोज, ब्रदर एंड ब्रदर्स। अब वो वाले वर्ड्स जिनके साथ आई ई एस लगाते हो, लाइक आप वाई को कट करके आई ई एस उनके प्लूरल्स में पुट करते हो, जमा में पुट करते हो, क्या है? बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज में, लोरीज, कंट्रीज, सिटीज, ये सारी चीज़ें जो हमारी वाई के साथ एंड होती हैं उनको कट करके वाई को आई ई एस लगाते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। बाय एडिंग ई एस वर्ड्स दैट एंड इन एस, सी एच, एस एच और एक्स, वो वाले वर्ड जिनके लास्ट में एस, सी एच, एस एच और एक्स आता है उनके साथ हम ई एस यूज़ करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि वो वाले वर्ड जिनके लास्ट में ये वाले वर्ड्स आते हैं उनके साथ हम ई एस लगाते हैं, लाइक वॉच, वॉचेस, सैश, सैशेस, बैज, बैजेस, ठीक है। और वो वाले वर्ड्स जिनके लास्ट में ओ आता है उनके साथ भी हम ई एस लगाते हैं, लाइक पोटैटोज, टमेटोज, मैंगोज, बफेलोज, ठीक है, ये सारे हमारे जो वर्ड्स होते हैं ये मैंने प्लूरल्स बोले थे। देर आर सम मोर रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर एंड प्लूरल्स टू नाउन। अच्छा, उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जिनके साथ हम एस और ई एस लगाते हैं। अब वो कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एस और ई एस वर्ड्स यूज़ करते हैं हम? लाइक सम वर्ड्स एंडिंग विद ओ टेकिंग ओनली एस, नॉट ई एस। वो कह रहे हैं कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है, मेमोराइज कर लें इनको बहुत अच्छे से ताकि आपको जब सिंगुलर प्लूरल्स आप करो तो आपको मिस्टेक ना हो। कह रहे हैं कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन एंड तो ओ पे होते हैं लेकिन ई एस नहीं लगता उनके साथ, उनके साथ जस्ट एस लगता है। वो कौन से वर्ड्स होते हैं? फोटो, फोटोज, रेडियो, रेडियोज। अब वो वाले वर्ड्स जो इनके एंड पे एफ आता है, ठीक है, एंडिंग विद एफ और एफ ई, जो चेंज होकर वी ई एस में चेंज हो जाता है, जिनके लास्ट में एफ और एफ ई आता है वो वाले वर्ड्स वी ई एस में चेंज हो जाते हैं। लाइक थीव, थीव्स में एफ को कट किया वी ई एस लगा दिया, एफ ई को कट किया नाइव्स आ गया, वाइफ हो गया तो वाइफ के पास ई एफ ई होता है तो वाइफ्स हो गया, वुल्फ हो गया, ठीक है, वुल्फ में एफ आता है तो एफ को कट करके वी ई एस वुल्फ्स कर देते हैं इसका प्लूरल में, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं विद एफ मे नॉट टेक एज वी ई एस आफ्टर दैम। वो कह रहे हैं कुछ वर्ड्स ऐसे तो हैं जिनके लास्ट में एफ ज़रूर आता है लेकिन वी ई एस उसमें चेंज नहीं होता, हो दे जस्ट टेक एस, ठीक है, उनमें जस्ट एस यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लिफ, क्लिफ्स, रूफ, रूफ्स, ठीक है, ये वाले वर्ड्स, क्लिफ, चीफ, चीफ्स, डवर्व, डवर्व्स, शेरिफ, शेरिफ्स, गल्फ, गल्फ्स, रीफ, रीफ्स, हैंकरचीफ, हैंकरचीफ्स, ये वाले वो वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एफ तो आता है लेकिन ई एस या वी ई एस नहीं आता, जस्ट एस आता है। सम नाउन्स आर यूज्ड इन देयर प्लूरल फॉर्म ओनली। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है, जिनको हम प्रोनाउंस भी प्लूरल में ही करते हैं, उनका सिंगुलर नहीं बनाते हम। लाइक जीन्स, ठीक है, कभी आप कहते हो जीन पहनी है, आप कहते हो ना जीन्स पहनी है, तो ये प्लूरल वर्ड ही यूज़ होता है। सीज़र, ठीक है, सीज़र को सीज़र्स ही बोलते हैं। सम नाउन्स रिमेन इन देयर सिंगुलर फॉर्म ओनली, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है, वो चेंज नहीं होते। लाइक शीप, हेयर, जो हमारे बाल होते हैं, शीप, हेयर, और हेयर्स नहीं बोलते कभी भी, ये हेयर्स नहीं बोलना आपने, हेयर बोलते हैं, शीप, हेयर, डीप, डियर, और आपके पास होते हैं एक वर्ड फिश, ठीक है, उसका भी प्लूरल हमारे पास फिश ही होता है। ये वाले वर्ड्स होते हैं जो सेम रहते हैं, रिमेन सेम।
देर आर सम वर्ड्स विच डोंट फॉलो एनी अबव रूल. वो कह रहे हैं कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन पे कोई रूल फॉलो नहीं करता, जो एस भी नहीं होते, वो ई एस भी नहीं होते, वो खाली एस भी नहीं होते, वो कुछ भी नहीं होते, उनका बिल्कुल ही डिफरेंट प्लूरल बन जाता है. सिंगुलर भी अलग होता है, प्लूरल भी अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल मैन, एम ए एन, मैन यानी सिंगुलर, एम ई एन जहाँ पर ई एन वाला हो जाएगा वो आदमी ज़्यादा सारे हो जाएंगे, ठीक है. मर्द, वूमैन, एम ए एन वाला सिंगुलर, एम ई एन वाला प्लूरल. चाइल्ड बच्चा, एक सिंगुलर, चिल्ड्रन ज़्यादा सारे बच्चे, ठीक है. अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, सम नाउन्स फ्रॉम प्लूरल बाय एडिंग एस टू द फर्स्ट वर्ड. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट के साथ हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल सन इन लॉ, सन्स इन लॉ यानी ससुराल, ठीक है. ससुराल में सन इन लॉ जो हमारा दामाद या बहनोई या इस तरह के रिलेशंस होते हैं, उनमें सन इन लॉ अगर सिंगुलर है तो सन्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है. इसके फर्स्ट वर्ड के साथ एस लगाते हैं. मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ. फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ. ये कुछ रूल्स हैं, ये आपने बहुत अच्छे से रिमेम्बराइज कर लेने हैं. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ये एफ वाले, ये वी ई एस वाले वर्ड्स हैं, ये एफ वाले, ये जस्ट एस वाले वर्ड्स हैं, और ये आई ई एस वाले वर्ड्स हैं. इनको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है. जैसे मैंने अभी पीछे बताया, काल्फ का काल्व्स हो जाएगा, लुआफ का लुआव्स हो जाएगा, लीव का लीव्स, फूल का वूल्स, हाफ का हाफ्स, वी ई एस वाले. ये सारे वो हैं जिनके साथ सिर्फ एस यूज़ होगा और कुछ यूज़ नहीं होगा. और ये सारे वाई वाले हैं. वाई वाले आपको पता है कि वाई को कट करके हम आई ई एस लगा देते हैं. ये वो कर दिया हमने. इन अ नोटबुक राइट सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. वी हैव सम प्लूरल्स. सबके प्लूरल्स लिखे हुए हैं, आपने इनके आगे मार्जिन ड्रॉ करना है और इनके क्या करने हैं, सिंगुलर लिखने हैं. प्लूरल्स लिखे हुए हैं, सिंगुलर लिखने हैं, ये आपको आने चाहिए. प्लूरल्स के सिंगुलर करने आने चाहिए और सिंगुलर के प्लूरल भी आपको बनाने आने चाहिए. शीव्स, शीफ हो गया इसका, आपको पता है कि वी एस है तो एफ होगा मस्ट. काल्व्स है तो काल्फ हो गया. मैन है, एम ई एन वाला ज़्यादा, मैन कर दिया. रैबिट्स, रैबिट कर दिया. ट्रीज, ट्री. ब्रांचेस, ब्रांच कर दिया. हम बेंचेस बेंच कर दिया. हैंकरचीफ्स, हैंकरचीफ कर दिया. सॉक्स, सॉक्स पे कर, सॉक पे कर दिया. अब यहाँ पर हमारे पास है, ये अपने प्लूरल्स लिखने हैं इसके. देर आर थ्री हाउसेज इन द लेन, थ्री, वन टू थ्री. हाउस होता तो सिंगुलर होता, यहाँ उन्होंने कहा प्लूरल्स लिखे हैं, सो प्लूरल्स लिख दिया हमने. वी यूज़ नाइव्स फॉर कटिंग फूड, ठीक है, एंड वेजिटेबल्स. हम चुड़ियाँ यूज़ करते हैं क्या, वेजिटेबल्स और फ्रूट कट करने के लिए. देर आर लॉट्स ऑफ माइस इन आवर हाउस, चूहियाँ हैं हमारे घर में बहुत ज़्यादा. द फार्मर हैड मैनी डक्स ऑन द ऑन हिज फार्म. फार्मर के पास बहुत सारी बतखें हैं उसके फार्म के लिए. अब यहाँ पर हमने चूज़ करना है करेक्ट प्लूरल, ठीक हो गया. अब प्लूरल अकॉर्डिंग टू पिक्चर, अब यहाँ पर प्लूरल्स ही हैं, सिंगुलर कोई भी नहीं है. सो डोंट प्ले विद द नाइफ्स, छुरियों के साथ नहीं खेलना चाहिए. नाइफ होगा तो सिंगुलर होगा, बट यहाँ पर दो हैं. दिस ट्री हैज़ मैनी लीव्स, इसके बहुत सारे इस दरख्त के बहुत सारे पत्ते हैं. देर आर मैनी कोरल रीफ्स हेयर, ठीक है. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बहुत सारे कोरल लीव्स हैं यहाँ पर हमारे पास पड़े हुए. गिव मी लॉव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड लॉव्स ऑफ ब्रेड बोलते हैं ब्रेड के स्लाइसिस को, ठीक है. आई एम गोइंग टू वॉश ऑल हैंकर चीफ्स, ये वाला आएगा एस वाला, मैं सारे हैंकर चीफ धोने जा रही हूँ. टिक करना है राइट वन ब्रैकेट्स में, ठीक है. अब आपको पता है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, और कौन रिमेन सिंगुलर रहता है, किसको हम प्लूरल में यूज़ करते हैं. द शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, शीप्स नहीं आएगा. मैंने आपको बताया था कि शीप हमेशा शीप रहता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो. द थीव्स रैन अवे इन देन से दे सॉ द पुलिस, चोर भाग गए यानी ज़्यादा चोर है, तो वी ई एस वाला आएगा. यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी फोटोज हेयर, ठीक है, एस वाला आएगा. आपको पता है कि मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि खाली ओ के साथ जो वर्ड होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ ई एस यूज़ करें, खाली एस भी यूज़ करना है हमने. ही हैज़ टू सन्स इन लॉ वर्किंग द स्टेट, उसके दो जो सन इन लॉ है वो कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं स्टेट में, ये वाला सन्स इन लॉ आएगा. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द इंडोर गेम, बच्चे खेल रहे हैं अंदर ही. एडजेक्टिव्स, वी हैव लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव, सिंपल एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है, क्वालिटी ऑफ अ नाउन या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमारे पास एडजेक्टिव होता है. यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री भी पढ़ के आ चुके हैं थ्री क्लास में, टू क्लास में, ठीक है. आप पढ़ के आए हुए हो कंपैरेटिव डिग्री. जब कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री, ई आर, आई ई आर, ठीक है, ऐसा ही है. व्हेन वी मेक फाइनल डिसीजन, ठीक है, व्हेन वी कंपेयर टू और मोर थिंग्स, जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं और हमारा फाइनल डिसीजन होता है कि ये फाइनल डिसीजन हो गया, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, वो आई ई एस, आई ई एस टी और ई एस टी हम उसमें यूज़ करते हैं. ये सारा मैंने आपको
एक्सप्लेन कर दिया है, एक दफ़ा रीड कर देती हूँ. वर्ड्स एंड डिस्क्राइब नाउन पर्सन प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको आती है कि जब जो चीज़ मज़ीद एक्सप्लेन करती है नाउन को. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, दे आर ऑल्सो यूज टू कंपेरिजन बिटवीन थिंग्स. कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू थिंग्स, यू हैव टू अंडरलाइन दिस. कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स जनरली यूज ER आफ्टर द वर्ड, वर्ड के साथ ER यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टीव इज़ टॉलर दैन रिचर्ड. जब देन का वर्ड यूज़, एक बात याद रखनी है आपने हमेशा, कंपेरेटिव में देन का वर्ड यूज़ आ गया तो मतलब कंपेरेटिव डिग्री है. जब फाइनल बात हो रही है, जब बहुत सारी चीज़ों के बाद एक डिसीजन की बात हो रही है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री है. ये बात याद रखनी है आपने. वर्ड्स एंडिंग इन Y जनरली टेक IER आफ्टर दैम. ठीक है, जो वर्ड्स Y के साथ होते हैं वो IER वाले होते हैं. आपको ये बात पता है कि Y को कट करके हम IER लगा देते हैं. When we compare three or more things, we then we use superlative adjective. ये भी मैंने आपको बता दिया, superlative degree हम यूज़ करते हैं. ये सारा वही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि ER यूज़ करते हैं, EST यूज़ करते हैं, IER यूज़ करते हैं, IEST यूज़ करते हैं. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ IER, EST ये यूज़ नहीं होते, उनके साथ मोस्ट एंड मोर यूज़ करते हैं. वो भी हम आगे पढ़ लेंगे. ठीक है, एग्जांपल क्या है सुपरलेटिव की. वैंडी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. अब पूरी क्लास का कंपैरिजन किया है और फाइनल डिसीजन बताया कि वैंडी जो है वो सबसे टॉल है क्लास के अंदर, तो फाइनल डिसीजन हुआ यानी सुपरलेटिव डिग्री हो गई. एग्जाम्पल लेजी लेजीएस्ट हो गया. अब कुछ वर्ड्स उन्होंने कहा है ऐसे हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिनके साथ हम ना IER लगाते हैं, ना ER लगाते हैं, ना EST, कुछ भी नहीं लगाते हैं, उनके साथ मोर एंड मोस्ट यूज़ करते हैं. वो कौन से वर्ड्स होते हैं? वो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. ये एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल और इसका सुपरलेटिव. और अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बिल्कुल डिफरेंट होता है. ठीक है, जैसे बैड, वर्स और वर्स्ट. ये बैड एडजेक्टिव है, वर्स इसका कंपैरेटिव है और वर्स्ट इसका सुपरलेटिव है. यानी बुरा, बदतर और बदतरीन, अच्छा, बेहतर और बेहतरीन, गुड, बेटर एंड बेस्ट. इसको हम फिल कर लेंगे मिसिंग लेटर्स को अकॉर्डिंग टू द सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. ये एक जब दिया हो आपको आइडिया हो जाता है कि हमारा नेक्स्ट क्या होगा. लॉन्ग, longer, longest. अब longer था यहाँ पर लेकिन ये दोनों नहीं थे, तो आपको पता होना चाहिए कि longer किससे बना है. long से मिलकर बना है. beautiful, more beautiful and most beautiful, good, better and best. ये हमारे पास comparative और superlative degree है. याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, comparative degree में then का word use होता है और superlative degree में हम final decision की बात करते हैं. और adjectives हमारा quality of a noun होता है, ये आपको पता है. यहाँ क्या करना है हमने, चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स इन टू इन देयर कंपैरेटिव फॉर्म्स. कंपैरेटिव फॉर्म्स में चेंज करना है हमने, हमें बताया उन्होंने. और इसमें सुपरलेटिव फॉर्म चेंज करनी है. दिस टॉल इज़ अ प्रीटियर, ठीक है, देन द वन. अब देन, देन का वर्ड यूज़ हुआ तो कंपेयर हो रहा है दो चीज़ों को. आई बॉट यस्टरडे, कह रही ये जो मैंने कल खरीदी थी उससे ज़्यादा प्यारी गुड़िया है. माई डॉग इज़ क्लेवरर देन मोस्ट डॉग्स इन द कॉलोनी. कह रहे हैं कि मेरे डॉग्स जो, डॉग जो है मेरा जो कुत्ता है वो मोस्टली दो कुत्तों से जो कॉलोनी में है उनसे चलाक है. हैरी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन रॉजर एंड बेन. हैरी जो है वो रॉजर और बेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है. अब इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंटर नहीं बोलेंगे, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट होता है इसका. इट इज़ विंडियर देन यस्टरडे. आज हवादार है कल की निस्बत. सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है नेक्स्ट वाले को. दिस इज़ द स्ट्रीट स्मेलीएस्ट ऑफ द ऑल स्ट्रीट्स. मतलब तमाम स्ट्रीट में से ये स्ट्रीट सबसे ज़्यादा स्मेलीएस्ट है, इसमें से स्मेल आती है. रॉब इज़ द डर्टीएस्ट बॉय इन द क्लास. रॉब जो है वो सबसे ज़्यादा गंदा बच्चा है क्लास में. दिस इज़ द एक्सपेंसिव कैमरा आई हैव एवर सीन. ये बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा है जो मैंने अभी तक देखा है. मतलब फाइनल डिसीजन बताया उसने तो मोस्ट एक्सपेंसिव आएगा. ये बात याद रखनी है. अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर फाइनल डिसीजन की बात हो रही है. ठीक है, दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर बीन टू. यह सबसे खूबसूरत जगह है जो मैं अभी तक आया हूँ, तो मोस्ट ब्यूटीफुल आ जाएगा. सॉरी, पीसफुल लिखा हुआ, पीसफुल आ जाएगा. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट चूज ए गिवन ब्रैकेट्स. हमारे पास तीन गिवन ऑप्शंस हैं, एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. वी हैव टू पुट द राइट वन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. मिस्टर रोनाल्ड इज़ वन ऑफ द डैश पीपल इन द वर्ल्ड. अब पूरी दुनिया का कंपैरिजन किया है और एक डिसीजन बताया, तो कौन सी डिग्री लगेगी? सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, रिचिएस्ट आएगा यहाँ पर. विल्सन इज़ द डैश ऑफ ऑल द बॉयज़ इन द क्लास. सारे लड़कों का कंपैरिजन किया है क्लास में, सो फाइनल डिसीजन किसका हुआ कि रिचिएस्ट विल्सन है, तो टॉलेस्ट आ गया.
दिस लेन इज़ वेरी डर्टी. अब ये नॉर्मल सी बात की है उन्होंने कि ये लेन डर्टी है, एक कैजुअल बात की है, नॉर्मल एडजेक्टिव आएगा, डर्टी आएगा. उन्होंने किसी के साथ कंपेयर नहीं किया. सो माई फ्लाइट अराइव्ड लेट लेटर देन हर्स, मेरी फ्लाइट जो है उसकी फ्लाइट से लेट आई है. सो लेटर आएगा, लेटेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसने कंपैरिजन किया है देन का वर्ड यूज़ किया है. ठीक हो गया. थैंक यू सो मच.